हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको घर पर हाइलाइटर बनाना सिखाऊंगी, वो भी केवल 2 इंग्रेडिएंट से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे बनाने के लिए हमें कोई भी कंटेनर लेना है जिसमें आप इसे बनाना चाहते हैं। अब मैं ले रही हूँ अपना ओल्ड आई शेडो पैलेट, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो इसमें से मैं सिल्वर और डार्क ब्राउन कलर चूज़ करूँगी। आप चाहे तो गोल्डन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सीधा गोल्डन या फिर ओनली सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को अच्छा और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इन दोनों को साथ में ले रही हूँ। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैं इन दोनों को बराबर मात्रा में ले रही हूँ। अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट, ये है हमारा एलोवेरा जेल। याद रखें गाइस, हमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ करना है, हम फ्रेश वाला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसे हम स्टोर नहीं कर पाएंगे और वह जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए ओनली टेम्प्ररी बना रहे हैं तो आप ज़रूर फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एलोवेरा जेल भी यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप थोड़ा सा ग्लिसरीन या फिर फेस सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छी तरीके से मिलाना है। ये बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथ बनना चाहिए ताकि हमारा हाइलाइटर लगाने में अच्छा रहे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलाना होगा। उसके लिए ब्रश कंफर्टेबल ना रहे तो आप चाहे तो इसे सीधा उंगली से भी मिला सकते हैं, जिससे ये और ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैं इसे और ज़्यादा शाइनी बनाने के लिए इसमें सिल्वर आई शेडो और ऐड कर रही हूँ। अगर आपको भी कम लगे तो आप भी इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं। गाइस, मैंने इसमें थोड़ा सा अलग से सिल्वर आई शेडो ऐड कर लिया है। अब मैं इसी मिक्सचर में इसे अच्छी तरीके से फिर से मिलाऊंगी। अगर ये आपका मिक्सचर थोड़ा रूखा सूखा टाइप दिखता है तो आप इसमें अलग से एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा पेस्ट एकदम स्मूथ होना चाहिए ताकि फेस पे यूज़ करते वक्त ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और दिखने में दर्द आना लगे। तो इसे अच्छे तरीके से मिलाएं। मेरा हाइलाइटर एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और दिखने में भी स्मूथ लग रहा है। तो अब मैं इसका अपने हैंड पे यूज़ करके बताती हूँ ये कैसा बना है। तो इसका थोड़ा सा यूज़ करते हैं अपने हैंड पे। ये मेरे हैंड को बहुत अच्छी स्मूथनेस भी दे रहे हैं और ब्लेंड होने में बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से ब्लेंड हो रहा है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे फेस पे सेट हो जाएगा। तो ये घर पे बना हाइलाइटर हमारे फेस को बहुत अच्छी तरीके से हाइलाइट भी करेगा और शाइन भी देगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और घर पर बनाएँ। ये बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी भी है और यूज़फुल भी है। तो आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे ये बहुत अच्छी शाइन दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में 2 इंग्रेडिएंट से बना हुआ हाइलाइटर 100% वर्किंग है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में रिजल्ट्स ज़रूर बताएं। और अदर मेकअप प्रोडक्ट्स की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आप भी उन्हें ज़रूर देखें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।